देखो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने ये जो 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है द क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड ये पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट पढ़ लिए थे, तो अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया है तो वो दोबारा से इसको पढ़ सकता है, पीछे की जो वीडियो है उनको। लेकिन थोड़ा मैं कहानी टाइप में बता देती हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, जो ऑथर है वो एक डेस्क, रोल टॉप डेस्क खरीदने के लिए जाता है, और उसको जो रोल टॉप डेस्क मिलती है उसमें एक सीक्रेट ड्रॉवर होती है, और उस ड्रॉवर में उसे एक पत्र मिलता है, ठीक है। तो और दूसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि उस पत्र को अब लेखक खोल लेता है और उसको पढ़ता है, और उसमें जो जिम मैकफर्सन है वो कोनी अपनी वाइफ को एक पत्र लिखता है और किस तरीके से क्रिसमस ईव के बारे में बताता है। अब देखो जो लेखक है वो उसके इस पत्र को उसकी वाइफ तक पहुंचाना चाहता है। अब इसके बारे में वो शब्द है, हम पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना, ठीक है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। और स्टूडेंट साथ साथ आप लोग वर्ड मीनिंग लिखते रहे करो जो मैं आपको बताती हूँ। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, फोल्ड का मतलब क्या होता है, बंद कर देना, अगेन का मतलब दोबारा से, मैंने उस पत्र को दोबारा से बंद कर दिया। देखो क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो दिया यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, है ना। एंड स्लिप्ड इट केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, बैक इनटू इट्स एनवलप, और उसको लिफाफे में दोबारा से बंद कर दिया। आई कैप्ट, ये देखो कीप की सेकंड फॉर्म है, आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात सो नहीं सका। कौन कह रहा है, लेखक। बाई मॉर्निंग, प्रातःकाल, आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, और प्रातःकाल मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि वो सारा पत्र लेखक ने पढ़ लिया था ना, तो अब उसके एक्साइटमेंट हो रहा था कि कैसे सुबह और मैं उसे कोनी के पास पहुंचा दूं। आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट, अब ये इंग्लैंड में ही एक जगह है तो ये कह रहा है आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट गया जस्ट ए फ्यू मील्स अवे, जो कुछ ही मील पर था, जहां पर लेखक था वहां से जो ब्रिडपोर्ट है वो कुछ ही मील दूर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कोपर बिचेज वाज, जहां पर कोपर बिचेज, जहां गली में वो पहुंचा था, जो एड्रेस लिखा हुआ था ना उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो पत्र था उसके लास्ट में एड्रेस लिखा हुआ था, तो उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद आई आस्क्ड, कवि कहता है मैंने पूछा ए बॉय एक लड़के से, वॉकिंग जो घूम रहा था, हिज डॉग अपने कुत्ते के साथ, वेयर जहां पर, कोपर बीचेज में एक जो लड़का है वो कुत्ते के साथ घूम रहा था, अपने कुत्ते को घुमा रहा था। हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड आउट सेल, और उससे जो पता पूछा, जो हाउस नंबर 12 था, मैं उसकी तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि वहां तो क्या था भाई, टू बी नथिंग कुछ भी नहीं था बट ए बर्नड आउट सेल, वहां पर तो एक जली हुई झोपड़ी टाइप में घर था। द रूफ गैपिंग द विंडोज बॉयर्ड अप, जो छत थी वो भी जैसे धुएं से हल्की हो जाती है ना, धुएं का कलर सा हो जाता है, और द विंडोज बॉयर्ड अप, और जो खिड़कियां थी उनमें भी जले हुए के निशान से लग जाते हैं, वैसे हो रही थी। आई नॉकड एट द हाउस, मैंने नॉक किया, नॉक करने का मतलब समझते हो ना, खटखटाना, एट द हाउस नेक्स्ट डोर, अब उस घर में जहाँ कवि पहुंचा था एड्रेस देख करके, वहां तो कोई था ही नहीं, तो कवि ने क्या किया भाई, अगले घर को खटखटाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेज मैकफर्सन, क्या कोई यहाँ मिसेज जो मैकफर्सन है उसके बारे में जानता है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, एक जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसने अपने पैरों में स्लीपर पहनी हुई थी, उसने कहा हाँ हाँ मैं मिसेज मैकफर्सन को जानता हूँ, याद आया आपको, जिम मैकफर्सन की पत्नी है ये, ही न्यू हर वेल, मैं तो उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, ए लवली ओल्ड लेडी, वो तो एक बहुत ही प्यारी लेडी थी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, किसने, उस ओल्ड मैन ने, ए बिट मडल हेडेड, लेकिन वो थोड़ी सनकी थी या थोड़ी पागलपन लिए हुए थी, बट एट हर एज, लेकिन जो उसकी उम्र थी, सी वाज एंटाइटल्ड टू बी वाजंट सी, उस उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक ही था, वाजंट सी, ऐसा है ना, मतलब उसने, कवि कह रहा है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वो थोड़ी सनकी थी, ऐसा होना स्वाभाविक है, हाँ ऐसा है ना, मतलब वो उससे हाँ करवाना चाह रहे हैं,
ए 101 ईयर ओल्ड। देखो उसकी उम्र क्या थी, 101 वर्ष। सी हैड बीन इन द हाउस, वो घर में रहती थी। वेन इट कॉट फायर, जब वो घर में थी तभी क्या लग गई भी, आग लग गई। नो वन रियली न्यू, कोई भी ये हकीकत नहीं जानता। नाउ द फायर हैड स्टार्टेड, की आग लगी कैसे। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन वह हमेशा ही क्या जलाती थी भाई, मोमबत्तियां। सी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो हमेशा बिजली की बजाय कैंडल्स का यूज करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी, थॉट सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, कि जो बिजली का बिल है वो हमेशा ज्यादा ही महंगा होता है बजाय की कैंडल्स के। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, लेकिन जो फायरमैन था वो समय पर ही पहुंच गया। उसके घर में आग लग गई थी ना, तब ये कह रहा है कि लेकिन जो फायरमैन था वो समय पर पहुंच गया। सी वाज इन ए नर्सिंग होम, फिलहाल वो एक नर्सिंग होम में है। नाउ अब ही टोल्ड मी, उस बूढ़े व्यक्ति ने लेखक को बताया, बर्लिंगटन हाउस, और ये उस हाउस का नाम है बर्लिंगटन हाउस, जहां वो मिसेज मैकफर्सन रह रही है। ऑन द डॉरचेस्टर, जो डॉरचेस्टर रोड पर है। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो कस्बे के बगल में है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अब ये थर्ड पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। जो जो इसमें जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म्स आई हैं, तो ये सारी वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लिखनी है आपको। और जितने भी ये जैसे केयरफुली आया है, मॉर्निंग आया है, इनके ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं वो लिखने हैं आप लोगों को। और जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग आए हैं, जिनके मैंने आपको अर्थ बताए हैं, वो भी अपनी फेयर नोटबुक में करना है। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं कि क्या कुछ समझ नहीं आया है। ठीक है स्टूडेंट्स।